स्टडी चैनल दी लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के हुए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर एक है हमारा, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है, बेल्जियम का सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? तो ये भाषा के आधार पर जो है बेल्जियम का सामाजिक विभाजन होता है। भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो ये है जातिवाद, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है तो ये है हमारा छठ, ठीक है। बिहार में कौन से जिला केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाती है हमारी गोमती नदी, जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। भारत के उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये हुआ हमारा 1986 में, जो है उपभोक्ता अधिनियम कानून लागू हुआ। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इनमें से सभी, ठीक है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के ही अंग हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो रोजगार, तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, यानी इनमें से सभी जो है। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। सोने के जीवरों की शुद्धता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन लागू हुआ था 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज है? तो अभ्रक, ठीक है। किस समिति का अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये संविधान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? पानी की कमी में कीमत में वृद्धि, ठीक है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, जो है यानी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का जो है ये कथन है। पंचायती राज्य व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत है, इसका निम्न स्तर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिका की अनुसूची संबंधित है 12वीं अनुसूची से। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस जो है वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है उत्तर हो जाएगा हमारा 1975, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन है, पहला वाष्प ईंधन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी में, ठीक है। निम्न में से किस सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो ये है हीरा। भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये है केरल में। एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइड का। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडारण है? तो भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडारण असम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ये है हमारा कोयला, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। इंदौर पतन स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। इंदौर पतन तमिलनाडु। किस नगर का वो भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये है मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है, क्योंकि पूरे भारत का 30% वन जो है मध्य प्रदेश में। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। भारत में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है कि आपको हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था।
किस राज्य ने रातों रातों रात वर्नक्यूलन प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली? तो अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदली थी। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। हिंद स्वराज्य की स्थापना पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। हीराकुंड बांध बना है तो महानदी पर। बिहार में रेल वर्कशॉप स्थित है? तो जमालपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ये है हमारा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो है काटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो गया है क्या? मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट, कोसी में बाढ़ आने का कारण होता है? नदी में गाद जमना, ठीक है। महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिणाम होता है सुनामी, ठीक है। हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किस देश ने न्यू डील नीति को लागू की? तो ये अमेरिका ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? 26 जनवरी 1930 को जो है ये पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया? भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 ईस्वी में, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, ठीक है। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों तापीय विद्युत उत्पादन के करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी का जो है उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना जो है दक्षिण भारत की नदी। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में, ठीक है। बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व का अग्रणी है? तो भारत, ठीक। अंगोरा ऊन का स्रोत है अंगोरा का खरगोश, जो है अंगोरा ऊन का जो है स्रोत होता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। भोपाल गैस आपदा एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा थी। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 जो है भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए? तो शंकुधारी वृक्ष को लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ होता है? ये होता है हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सुखाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो ये है हमारा मानवीय संसाधन, ठीक है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला स्तर पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसमें से सभी, ठीक है। भारत सरकार के किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो प्रारंभिक शिक्षा। तो ये रहे हमारे आज के प्रथम पाली के हुए एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न जिसको हमने बनाया। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना उत्तर सही हुआ और कितना गलत, ठीक है। और अगर इसका आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।